वास्तुशास्त्र के हिसाब से कई पेड़ पौधे बेहद ही शुभ होते हैं और इनको घर में लगाने से बहुत सारे फायदे भी होते हैं। यदि आप जान जाएंगे इनके फायदे, वाकई में आप हैरान रह जाएंगे। दोस्तों, पहले आपने कई बार देखा होगा हरे भरे पेड़ पौधे घर के आंगन की शोभा बढ़ाते थे, मगर हम इनके अंदर के तथ्यों को समझ ही नहीं पाए हैं। इनका मतलब सिर्फ पेड़ पौधे से घर की शोभा बढ़ाना नहीं होता था, बल्कि इससे घर में सुख समृद्धि और संपन्नता भी आती थी। अब भले ही घर में आंगन नहीं रहे, मगर शुक्र मनाइए बालकनी तो है। दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने वाली हूँ कुछ ऐसे पेड़ पौधे जिन्हें घर में लगाने से घर में कई सारे चमत्कार होते हैं। बहुत सारे ऐसे इससे फायदे आपको मिलते हैं जो आप लाखों पैसे खर्च करने के बाद भी आप नहीं अवेल कर सकते हैं। आपको उन चीज़ों की कमी हमेशा मौजूद होती है। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और आप सभी के उत्तम भविष्य की कामना करते हुए आज का ये वीडियो स्टार्ट करती हूँ। दोस्तों, सबसे पहले तो बात हम करते हैं तुलसी के पौधे से, जो हर दूसरे भारतीय के घर में आपको जरूर मिल जाता है। हिंदू धर्म में से एक तरह से लक्ष्मी का दूसरा रूप माना जाता है और सेहत के लिहाज से इसमें अद्भुत औषधीय गुण होते हैं। तुलसी का पौधा घर में उत्तर या फिर उत्तर पूर्व दिशा में यदि आप लगाते हैं तो आपके पूरे घर में हमेशा सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बना रहता है, नेगेटिविटी को यह दूर करता है। वहीं यह अपने चारों ओर 50 मीटर तक का वातावरण भी शुद्ध रखता है। मगर गलती से भी तुलसी के पौधे को दक्षिण दिशा में नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि फिर यह आपको फायदे की जगह नुकसान भी पहुँचा सकता है। यदि आप घर में तरक्की चाहते हैं, सुख और समृद्धि चाहते हैं, तो ऐसे में बांस का पौधा जरूर लगाएं। इससे घर की नेगेटिव एनर्जी दूर होती है और इस पेड़ के बारे में कहा भी जाता है यह वातावरण में तमाम मौजूद मुश्किलों को भी दूर करता है। हर मुश्किलों के होने के बाद भी ये तेजी से बढ़ता है, इसलिए इसे उन्नति, दीर्घायु और सुख समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। वहीं हिंदू धर्म के अनुसार भी बांस का पौधा घर में होना बहुत शुभ है। भगवान श्री कृष्ण हमेशा अपने पास बांस की बनी बांसुरी रखते थे। सभी शुभ अवसरों पर जैसे कि मुंडन, जनेऊ और शादी आदि में भी बांस का उपयोग जरूर किया जाता है। इसे आप घर के किसी भी हिस्से में लगा सकते हैं। आप जिस भी हिस्से में लगाते हैं वो पौधा उसके हिसाब से ही आपको रिजल्ट देना शुरू करता है। जैसे कि यदि आप उत्तर दिशा में लगाते हैं तो उत्तर दिशा धन की दिशा मानी जाती है, तो आप जैसे जैसे ये पौधा बढ़ता है वैसे वैसे आपके घर में धन की आवक भी बढ़ती है। दक्षिण दिशा में यदि आप लगाते हैं तो दक्षिण दिशा आपको मान और सम्मान दिलाता है, वो आपके घर में इससे जुड़ी हुई कई सारी चीज़ें होती चली जाती हैं। इसी तरह पूर्व दिशा में यदि आप लगाते हैं तो आपके जीवन में, आपके करियर में कई सारे बहुत ही अच्छे बदलाव देखने को मिलेंगे, आपके करियर में तरक्की मिलती है। केले के पौधे को दिव्य गुणों से भरा हुआ पौधा माना जाता है। ये एक फलदार पौधा होने के साथ ही घर में सुख और संपत्ति का संकेत भी देता है। हिंदू धर्म के अनुसार भी केले के पौधे में भगवान विष्णु का वास होता है और जिन घरों में ये पौधा होता है उन घरों की आर्थिक स्थिति कभी भी खराब नहीं होती है। इस पौधे को यदि आप ईशान कुंड की दिशा में लगाते हैं तो भगवान विष्णु की सदैव उस घर पर कृपा बनी रहती है। दोस्तों, तुलसी की तरह ही हल्दी का पौधा भी किसी वरदान से कम नहीं है। यह जितना गुणकारी है उतना ही चमत्कारी भी है। यह एक ऐसी चीज है जिसका इस्तेमाल हर घर में किया जाता है, फिर वो चाहे पूजा में हो या फिर औषधि में या फिर खाने पीने में या फिर आप अपने सौंदर्य को बढ़ाने में करते हो। हल्दी का पौधा बहुत ही गुणकारी होता है और आपके घर में ये बहुत सारे शुभ खबर को लेकर आता है। हम बात करते हैं सबसे आखिरी पौधे के बारे में, जिस पौधे की यदि आप पूजा करते हैं तो आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। यदि आप इस पौधे की रोजाना पूजा करते हैं तो आपके सारे पापों का भी नाश होता है। इसे घर के उत्तर या पूर्व दिशा में लगाना अत्यंत ही लाभकारी माना जाता है। दोस्तों, आज मैं बात कर रही हूँ आंवले के पेड़ की। आंवले का पेड़ को आप घर में जरूर लगाएं, इसे मनोकामना पूर्ति होती है और आपकी सारी विशेष छठ से पूरी भी होती है। दोस्तों, मुझे उम्मीद है आज की ये जानकारी आप सभी को बहुत अधिक पसंद आई होंगी। जानकारी पसंद आई हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ फिर से मिलूंगी। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।